अस्सलाम वालेकुम तलाय बरकातु तमाम दोस्तों का सलाम लिया सबके लिए मैं दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त शेख रिशा। रमजान मुबारक का खास अमल दूसरा हर हजत के लिए फखरो फाखा से निजात पाने के लिए, तंगदस्ती और मुसीबतों से निजात पाने के लिए, सितारों की नेवस दूर हटाने के लिए बहुत ही बेहतरीन अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। कोई नक्श वगैरह नहीं है इसमें, सिर्फ आके एक वजीफा हम आपको बताने वाले हैं, एक दुआ बताने वाले हैं जो माशाल्लाह आपको सुबह शाम पढ़नी है। तो अल्लाह सुब्हान तआला इस दुआ की बरकत से आपके जो पर जो ये दुश्मनों के शर से भी आपकी हिफाजत होगी, ना ही आप पर जुल्म होगा, ना ही आपको किसी पर जुल्म करने बन पाएंगे क्योंकि वक्त के हिसाब से जो भी मसले होते हैं। तो अलगरज दोस्तों इस अमल से माशाल्लाह जो ना आपकी जो हजरात जो भाई बहन जो माशाल्लाह कमाते हैं सारे साल परेशान होते हैं, जितनी भी कमाई कमाओ उसमें कमाई में बरकत नहीं होती, कर्जदारी दूर नहीं होती, मोहताजी दूर नहीं होती, जितने भी कोशिशें नमाजें रियाजत आप कर रहे हैं लेकिन आपकी दीन दुनिया में कामयाबी नहीं है, मुसीबतें घेरी हुई है, परेशानी घेरी हुई है, तकलीफ दिन ब दिन आपकी बढ़ते चली जा रही है। तो आप अगर चाहते हैं कि ये सारे मसले ये सारी परेशानियां दूर हों तो माशाल्लाह चलिए माशा ये अमल से जरूर फायदा उठाइए। रमजान में करने से रमजान में माशाल्लाह सुबह शाम ये पढ़ने से बहुत ही बेहतरीन और बहुत तहाशा इसके फायदे हैं, बहुत सारे इसके फायदे हैं, बेशुमार फायदे हैं। तो मैं आपको जो ना अलग इसमें शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि वक्त की कमी से रमजान का महीना बेशक आप भी बहुत बिजी होते हैं तो माशाल्लाह तो छोटी सी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा डिटेल बताने की कोशिश है। तो दोस्तों इस वजीफे को सुबह शाम एक तस्बीह अव्वल अहद शरीफ 11 मरतबा 21 मरतबा पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक तस्बीह 100 मरतबा आपके अगर एक तस्बीह यानी 100 मरतबा अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम 70 मरतबा या 21 मरतबा पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक तस्बीह पढ़े कम से कम 20 से 30 मिनट लगेंगे, आधे घंटे के अंदर अगर आप स्लो पढ़ते हैं तो 20 से 30 मिनट लगेंगे, वरना 15 मिनट में आप माशाल्लाह एक तस्बीह पढ़ चुके होंगे। तो माशाल्लाह बहुत आसान सा तरीका है, आप बाद तहज्जुद में पढ़ सकते हैं या फजर में पढ़ सकते हैं, रात में मगरिब के बाद या इशा की तरावी के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। दो दो वक्त बना है, दो वक्त में आप कभी भी, लेकिन सुबह शाम आप असर के बाद भी चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सुबह शाम इसको पढ़ना है। तो आप टाइमिंग बना लीजिए, कोई मसला नहीं है, तो रमजान का महीना ही माशाल्लाह, अगर बाद रमजान के भी कोई हजरात करना चाहते हैं तो इसको कंटिन्यू इस तरह जारी रख सकते हैं। ये हमेशा के लिए फखरो फाका जो तंगदस्ती होती है, मुसीबतें होती है, माल और जर की कमी होती है, खैरो बरकत नहीं होती, परेशानी मुसीबत है, ये सारी चीजों को दलिंदगी को मुसीबत को काहली को मुफलिसी को हमेशा के लिए दूर कर देता है। अल्लाह ताला अपना खास करम बंदे पर फरमाता है, ना किसी का जुल्म हम पर हो पाएगा, ना ही हम किसी पर जुल्म कर पाएंगे, सारी चीजों से अल्लाह की हिफ्ज हमान में होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों तरीका समझ में आ गया। तो चलिए माशाल्लाह ये थी अमल की तारीफ, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ पढ़ने वाली दुआ, ये है आपके स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह के साथ ही आपको पढ़ना है दोस्तों। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिनल फखरी वल खिल्लती व जिल्लती व औजु बिका मिन अन अज़लिमा व उज़लमा। फिर से पढ़ूं दोस्तों, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिनल फखरी वल खिल्लती व जिल्लती व औजु बिका मिन अन अज़लिमा व उज़लमा। दोस्तों इसी को आपको पढ़ना है सुबह शाम एक तस्बीह अव्वल अहद शरीफ, आप जो है 7 मरतबा 11 मरतबा 5 मरतबा या 3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तस्बीह एक तस्बीह दुआ इसको जरूर पढ़े। छोटी सी दुआ है, आप 10 मिनट में भी पढ़ लेंगे माशाल्लाह, लेकिन जो हजरात जो पढ़ने के आदि नहीं होते इनको कम से कम 20 मिनट तो लगेंगे, लेकिन कोई बड़ा मसला नहीं है। 20 मिनट अपनी जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी बदलने के लिए, तकदीर बदलने के लिए, अपनी परेशानी दूर करने के लिए, हम घंटों किसी के पास जाकर ठहर जाते हैं मुसीबत के हल निकालने के लिए, तो खुद अल्लाह की बारगाह में 10 से 15 मिनट बैठकर इबादत करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने लिए खास कीजिएगा, अपने दोस्त को अपने दुआ में याद रखिएगा, रमजान के खास दुआओं में अपना ख्याल रखें, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल, अस्सलाम वालेकुम तलाही वबरकातुहू।